हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अनियन हेयर मास्क, जो कि मामाअर्थ का है और ये आपको लगाना चाहिए हेयर पे कि नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से मतलब क्या बेनिफिट है इससे, और आपको क्या क्या लगा के सावधानी रखनी चाहिए, और ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग बहुत सारा टाइम। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। सो ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने अनियन हेयर मास्क मामाअर्थ का मंगाया है, जो कि मैंने सिमटिन से मंगाया था। सिमटिन एक ऐप है जिसके थ्रू आप फ्री में ट्रायल प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो इसको मैं यूज़ करके देख रही हूँ कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। सो हेयर वॉश करने के बाद जब बाल थोड़े थोड़े सूख जाते हैं, इनमें पानी नहीं टपकता हुआ होता है तो हल्के से गीले रहते हैं, उन्हीं बालों में हम इस तरीके से रूट्स पे अच्छे से इस तरीके से, क्योंकि मेरे हाथ से सही नहीं लग पाता मेरे पे, इसलिए मैंने मैं इनके थ्रू लगवा रही हूँ। सो अब जो देख सकते हो अच्छे से एक एक लेयर लेके और अच्छे से रूट्स में अंदर तक भर रही हैं, और ये अच्छे अच्छे से लग जाएगा, जितने अच्छे से उतने ही अच्छे रूट्स मजबूत हो जाएंगे मेरे, और ये डैमेज होने से बताएगा मेरे बालों को, डैमेज होने से बचाएगा, जो कि डैमेज हो चुके हैं। दो मुँह बाले हो जाते हैं और बाल ज़्यादातर झड़ते हैं, ये इस सब को रोकता है और मेरे बालों को मजबूत और घना बनाएगा, इसलिए ये पैक का है। सो इसलिए मैंने एक तरफ से मेरे बालों पे जितना हो सका है उतना हो गया है। ये 99 का है, सबसे छोटा वाला पैक है, और ये सिर्फ रूट पे हो गया है मेरे, अच्छे से बालों में नहीं हो पाया पूरे पे। तो अगर मेरे को इसका रिजल्ट अच्छा लगा तो मैं इसका बड़ा पैक मंगा लूँगी जल्दी ही। सो आप लोग देख सकते हो कि मैं इस तरीके से दोनों साइड मतलब जितना हो सका है मेरे पूरे स्कैल्प पे पूरे पे हो गया है। सो अब मैं साइड से भी करवा रही हूँ, एक भी छोड़ा नहीं हमने, बस मेरे जो हैं बाल की लंबाई पर नहीं हो पाया है, बाकी स्कैल्प पे पूरे पे ओवरऑल हो चुका है। सो यहाँ जो मैं निकाल के दिखा रही हूँ किस तरीके से पूरे पैक में, फिर भी इसमें बहुत निकला गाइज, 99 का है ये और इसमें काफ़ी निकला, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत ही दिया हो। मतलब अगर आप बॉयज़ के हेयर पे करना चाह रहे हैं, मास्क लगाना चाह रहे हैं, तो उनके तो हो जाएगा क्योंकि उनके छोटे बाल होते हैं, और गर्ल्स के पे नहीं हो पाएगा ये, इसलिए आपको बड़ा ही पैक लेना पड़ेगा। सो इतना हो जाने के बाद मैं अच्छे से कॉम भी करवा रही हूँ, जिससे कि ये जितना भी है बालों में अच्छे से फैल जाए। और बहुत ही थिक क्रीम है, इतना ज़्यादा मतलब एकदम से ऐसी नहीं है कि ज़्यादा पतली हो, थिक है और बालों में अच्छे से सेट भी हो रही है। हेयर स्पा की तरह ही लगा रहे हैं गाइस, जैसे हेयर स्पा करवाते हैं तो क्रीम का एप्लीकेशन होता है, इसी तरीके से हम इसी हेयर मास्क को यूज़ कर रहे हैं बालों को धोने के बाद। हाँ, जब बाल सूख जाते हैं थोड़े थोड़े, तब उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे बालों पे नीचे की तरफ नहीं हुआ है, ओनली ओनली स्कैल्प पे हो चुका है पूरे पे। सो इस तरीके से मैंने जब लगवा लिया था और अच्छे से कॉम करवाने के बाद बालों पीछे पीछे बाल मेरे रह गए हैं, जो बचे हुए हैं ये मैं दिखा रही हूँ कि ये सूखे रह गए हैं, इन पर नहीं हो पाया, फिर भी इसका रिज़ल्ट मेरे को पता पड़ जाएगा कि कैसा आया इसका रिज़ल्ट। सो गाइस, अब हम इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं अपने बालों में इसी तरीके से। 25 मिनट के बाद मैंने धोने के बाद, आप लोग देख सकते हो बाल मैंने वॉश किए हैं ओनली पानी से धोने के बाद बाल मेरे इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं मतलब देख सकते हो आप लोग कि मैं ऐसे मेरे बाल उलझ जाते थे पहले, ऐसे मैं करती थी, अभी क्योंकि एक तो कर्ली भी हेयर है मेरे तो इस तरीके से, तो अभी कर रही थी तो बहुत सॉफ्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कंडीशनर करके, और बहुत ही सॉफ्टनेस आ गई थी और इतने हल्के और इतने मुलायम लग रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो अब लोग देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रहे हैं दिक्कत, बस मैंने कॉम किया है ओनली, पहले कॉम करने के बाद भी ऐसे इस तरीके से और सॉफ्टनेस है, और बाल मेरे थोड़ा पतला है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, और सॉफ्ट बहुत हो गए, बस ये चीज़ है।
तो इससे मेरे को रिजल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ट्राई कर सकते हो इसको। सो 10 में से इसे 8 नंबर देना चाहूँगी मैं। आप कितने देना चाहो आप ये यूज करके देख लेना, क्योंकि मैंने नीचे नहीं लगाए हैं तो ऊपर ऊपर की तो सॉफ्ट लग रहे मेरे को, नीचे के जो हैं जैसे हैं वैसे ही रखे हैं। सो मेरे को तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। अगर मैं पूरे बालों में करती तो गाइस आप लोगों को बता दूँ कि मैं किस तरीके से मैंने ये अप्लाई किया है और मेरे बालों का जो रिजल्ट है और वो इस तरीके से आ रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा सीरम लगा लिया था इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं, थोड़ा शाइनिंग हो गए हैं, वरना इतने ज़्यादा शाइनिंग नहीं है मेरे हेयर। आप लोग नेचुरल हेयर देख सकते हो। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम किया है, कॉम करने के बाद ही इतने, और ऊपर से जो मैंने इधर रूट्स रूट्स में लगाया था तो इतने ही मेरे रूट्स के जो बाल हैं बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और नीचे के जो हैं वो नहीं हुए क्योंकि मैंने इतना ही निकला था उसमें, क्योंकि वो छोटा वाला पैक था 99 का आता है जो, इसलिए। और ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी मतलब अटक नहीं रहे हैं, जो बाल जो मेरे पहले अटकते थे ना इस तरीके से अटक नहीं रहे हैं कहीं भी, और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे बालों में कुछ अंतर आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा। सो जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।